जो पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन नंबर था वो 12.6% था, तो 38% से ये मई 2023 से कम होना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिछले महीने ये 12.6% पे आ गया। शराह सूद में 1% कमी का ऐलान, 19.5% की सतह पर आ गई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई में बतदरीज कमी आ रही, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, महंगाई की शरह 12.6% पर आ चुकी, गुज़िश्ता साल 38% पर थी, करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा, इस वक्त दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं, बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हो रहे हैं, माली साल 2023 में बैरूनी सरमायाकार $30 करोड़ लेकर गए थे, माली साल 2024 में $2.20 करोड़ मुनाफा लेकर गए, सितंबर में मॉनिटरी पॉलिसी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। बैन अल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी जारी करने की रेटिंग बेहतर कर दी। फिच ने डिफॉल्ट रेटिंग IDR को CCC से +CCC कर दिया। एजेंसी के मुताबिक IMF माहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के बायस रेटिंग अपग्रेड की गई। मजहब के नाम पे खून खराबे की जो है कोशिश की जा रही है, झूठ पे मबनी प्रोपोगंडा बदस्तूर जारी है। रियासत कती तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाए कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। रियासत में ये खुली छुट्टी दी गई, उसका शराजा जो है बिखर जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अदालतें हैं, पाकिस्तान के अंदर कानून है, पाकिस्तान में किसी शख्स को किसी गिरोह को ये इजाज़त नहीं कि वो किसी के कत्ल के फतवे जारी करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कत्ल की धमकियों पर हुकूमत का नोटिस, सख्त कार्रवाई का फैसला, रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी, किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, रियासत पूरी ताकत के साथ जवाब देगी, वफाकी वज़रा ने वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है, ऐसी बातों की इजाज़त दी गई तो रियासत का शराजा बिखर जाएगा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि चीफ जस्टिस को धमकी देना इनसे खुली बगावत है, इन अनासर के खिलाफ कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान कतन बर्दाश्त नहीं, दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को बहुत नुकसान पहुँचाया, फतवे देने और रियासत के अंदर रियासत बनाने की मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर इत्तला अता तारड़ की भी अमन कमेटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फतवे जारी करने के पीछे खुले सियासी मकासद हैं, क्या आपने सबको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है। क्या सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस तरह के अहकाम सादर फरमाएं जिसका आपको हक ही नहीं है, और क्या दीन इस्लाम के सिर्फ आप ही अलमबरदार हैं, क्या आपने बाकी सबको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है, क्या हमारा हक नहीं है, आपको ये हक किसने दिया कि आप इस तरह के ऐलानात करते फिरें। चीफ जस्टिस को धमकी देने पर TLP के नायब अमीर पीर ज़ाहिरुल हसन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, उकाड़ा से गिरफ्तार, मुकदमा थाना कला गुजर सिंह में SHO की मुदयत में दर्ज किया गया। TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुन नामजद, मुकदमा दहशतगर्दी, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात के तहत दर्ज किया गया। आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत, कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दफात भी शामिल। पाकिस्तान का जो माहौल इस पर बना दिया गया है उसमें कोई आवाज आवाम के हक में सामने नहीं आ रही सिवाय जमात इस्लामी के, रुकावट ने डालकर वो अपने लिए ही हालात खराब कर सकते हैं, धरने पे इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह कतन मुनासिब नहीं है। मैं हुकूमत को वार्न करता हूँ कि इस तरह की हरकतों से बात आ जाए, ये पुल दिलाना हरकतें हैं, ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। हम हर सूरत में पुरअमन रहना चाहते हैं, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता तसादुम का रास्ता।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहते हैं हुकूमत को वाज़ेह कर दिया, मराद खत्म करना पड़ेंगी। वजीर आजम और वजीर आला 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी इस्तेमाल ना करें, सारी कुर्बानियां आवाम से ना मांगे, खुद भी कुछ करें। कैपेसिटी चार्जेस किसी सूरत कबूल नहीं, मुआहदे सामने लाए जाएं। बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का मुतालबा। रावलपिंडी आने वाली खवातीन को लाहौर में रोके जाने पर कहा, वफाक और पंजाब हुकूमत रुकावटें डालकर हालात खराब कर रहे। उधर जमात इस्लामी की खवातीन का लाहौर में मुल्तान रोड पर धरना खत्म। मुल्क भर में सावन अपने जोबन पर, पंजाब के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। नालालई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद, रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतालिका इदारे हाई अलर्ट। रावलपिंडी में दो बच्चे पानी में डूब गए, एक चल बसा। एक शख्स करंट लगने से जान बहक, गुजरात में बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। लाहौर में भी बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। पिंड दादन खान में भी बादल खुलकर बरसे, सवाबी शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, 3 अफराद जान बहक। कराची में फिर बादल बरस पड़े, क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। थरपारकर में बारिश, आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद चल बसे, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारिश से बचने के लिए खेतों से दरख्त के नीचे गए, आसमानी बिजली आ गिरी, 30 से ज्यादा जानवर हलाक। वज़ीर आज़म की गैर मामूली बारिशों की सूरतहाल में आवाम के जानमाल के हिफाजत के यकीनी बनाने के लिए हिदायत। NDMA को हंगामी हालात से निमड़ने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। चारों सूबों कश्मीर और GB की हुकूमतों के साथ मुकम्मल मुआवनत का हुक्म। नया तोशाखाना रेफरेंस, मानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। जज एहतसाब अदालत का दोनों को 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। हाय, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, शरह सूद 1% कम कर दी। शरह सूद 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है और गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं महंगाई की शरह 12.6% पर आ चुकी है। गुज़िश्ता साल महंगाई की शरह 38% की रिकॉर्ड सतह पर थी। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। इस वक्त इम्पोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है। मजीद कहा, मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। सितंबर में मॉनिटरी पॉलिसी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, शरह सूद 1% कम कर दी। शरह सूद 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं महंगाई की शरह 12.6% पर आ चुकी है। गुज़िश्ता साल महंगाई की शरह 38% की रिकॉर्ड सतह पर थी। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा, जबकि इस वक्त इम्पोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं। मजीद कहा, मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है।